अपने लिए तो सभी जीते हैं, जीना तो वही है जो जिया चाहे औरों के लिए। ये बातें युवाओं में जोश भरती है। कुछ युवा इसे चरितार्थ भी कर रहे हैं और रक्तदान कर लोगों की जिंदगी बचाने का संकल्प भी ले रहे हैं। यह बात एक रक्तदाता ने तहनाल में युवा दुर्गेश वैष्णव के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर लगे रक्तदान शिविर में कही, जो पनौतिया का निवासी है। उसका नाम कैलाश कुमावत है, जिन्होंने अपनी 33 वर्ष की उम्र में 41 बार रक्तदान किया। रक्त एकत्रित करने महात्मा गांधी अस्पताल से टीम तहनाल पहुंची, वहीं पूरी टीम का माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा सभी अतिथियों का भी स्वागत किया गया। शाहपुरा के पार्षद राजेश सोलंकी ने कहा कि रक्तदान महादान होता है, धीरे धीरे लोग इसका महत्व समझने लगे हैं और रक्तदान के प्रति जागरूकता का माहौल भी देखने को मिल रहा है। जिला अस्पताल की टीम ने 60 यूनिट रक्तदान एकत्रित किया। पूर्व जिला प्रमुख शक्ति सिंह हाड़ा, पूर्व प्रधान बजरंग सिंह रणावत, लाला राम बैरवा, छात्र नेता मयंक वैष्णव, रामजस कुजर, अविनाश चिंगर, सुरेश मेवाड़ा, शिखा नवल जागेटिया भिलवाड़ा मौजूद रहे। हमारे बीच एक सामाजिक कार्यकर्ता इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय श्री राजेश जी सोलंकी हमारे इस रक्तदान शिविर में पधारे हैं। मैं चाहूँगा कि इस कैंप के बारे में आप दो शब्द से हमें उद्बोधित करें। मैं राजेश सोलंकी, पार्षद नगर पालिका शाहपुरा। आज कैनाल में चार जनऊ मंडल द्वारा जो रक्तदान शिविर दुर्गेश वैष्णव के जन्मदिन पे रक्तदान शिविर हो रहा है, जिसमें युवा में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और रक्त दे रहे हैं। इस रक्तदान से मतलब कहीं कोई एक्सीडेंट होता है किसी प्रकार की, मैं सामाजिक सेवा में मैं भी भाग लेता रहता हूँ, तो कई समस्या आती है, तो इस रक्तदान शिविर से किसी की जान बचाने में ये बहुत ही उस अवसर पर बहुत ही इसका महत्व रहता है। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक रक्तदान दे के, रक्तदान महादान होता है जो जीवन के में बहुत ही आवश्यकता है आज की पीढ़ी के लिए। आज जो दुर्गेश वैष्णव ने जो जन्मदिन पर यह अनूठी पहल की है, मैं सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो भी अपने जन्मदिन पर रक्तदाताओं को अधिक से अधिक रक्तदान के लिए समय लगाए और उनको मोटिवेट करें, जिससे भविष्य में आज वैष्णव के जन्मदिन पे मैं इनके स्वस्थ एवं दीर्घायु की कामना करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसे कैंप लगाते रहें और रक्तदाताओं को मोटिवेट करते रहें, जिससे अधिक से अधिक रक्त को उपलब्ध हो, जिससे हर जरूरतमंद को रक्त की आवश्यकता पड़ने पे हर को रक्त मिलता रहे। जैसे राम, मैं शुभम शर्मा कामोर, ये मेरे छोटे भाई दुर्गेश जी वैष्णव, आज इनका जन्मदिन है। उस अवसर पर यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया तहनाल ग्राम में और मैं भी यहाँ एक रक्तदाता के रूप में आया हूँ। मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होने के कारण मेरा ब्लड यहाँ नहीं लिया गया और मैं सबसे अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। और मैंने मेरे यहाँ नंबर, नाम, पता सब लिखा दिया है, जिसको भी ओ नेगेटिव की कभी भी ज़रूरत हो आधी रात को आप मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपकी सेवा में आधी रात के लिए तैयार हूँ। आज दुर्गेश जी वैष्णव के जन्मदिन पर मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसी तरह युवाओं का मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद, जय हिंद। आज चारभुजा नवयुग मंडल तहनाल की तरफ से रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। आज हमारे बीच पहुँचे हैं पत्रकार महोदय माननीय श्री किशन जी वैष्णव साहब। मैं चाहूँगा कि इस कैंप के बारे में वो अपना उद्बोधन दें, वो सब बोले। आज के इस बढ़ते दौर में जहाँ युवाओं में जागृति है, युवाओं में एकता है और युवा वर्ग जहाँ केक और डीजे की धुन पे अपना जन्मदिन मनाते थे, वहाँ इस युवा दुर्गेश वैष्णव ने एक अलग ही पहचान, एक अभिनव पहल की है, जहाँ इन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन करते हुए दुर्घटना में घायल या कोई भी अन्य ऐसा व्यक्ति जिनके ब्लड की कमी हो, व्यक्ति की कमी उस व्यक्ति को जीवन देने का एक मूल आधार बने हैं। ये दुर्गालाल वैष्णव, दुर्गालाल जी वैष्णव, ये है आज के बर्थडे बॉय, जिनके अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यह कैंप आयोजित किया। मैं उनसे भी चाहूँगा कि आप भी दो शब्द इस बारे में बताएं। अमूमन प्राय से मेरे द्वारा ये अनुभव किया गया कि जब भी किसी को कोई थोड़ी सी भी गंभीर समस्या का समाधान, वो जब समस्या को फेस करते हैं उस समय रक्त की समस्या का एक ऐसी समस्या है जिसका निदान के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। और मैंने एक दो केसेज ऐसे देखे जिनमें रक्त की वजह से उनकी जान जा चुकी थी। उसी दिन मैंने प्रण लिया था कि मैं इसी वर्ष मेरे जन्मदिन से सभी के लिए एक नवीन संदेश प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा, जिसमें सभी से रक्तदान करने की अपील करूँगा। मैंने मेरे साथियों से चर्चा करी
उन सभी ने सहमति प्रदान करी और आज ये सब आयोजन उन्हीं के द्वारा किया गया। मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया। अब तक कितने यूनिट रक्तदान एकत्रित कर अभी तक कोई साहब 38 यूनिट रक्तदान हो चुका है और अभी भी युवाओं में उसी वही उत्साह देखने को मिल रहा है जो सुबह देखने को मिल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन है कि आप भी इस रक्तदान की इस परंपरा को आगे बढ़ावे और हर एक व्यक्ति को जागरूक करें रक्तदान कराते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी अभिनव पहल की है इन्होंने, जो अपने जन्मदिन पर अपने इस तरह का आयोजन किया रक्तदान शिविर का, जो निश्चित तौर पर आने वाले समय में कई जरूरतमंदों का जीवन बचाने के काम आएगा। इस परमार्थ सेवा के लिए इनका बहुत बहुत साधुवाद।